Good afternoon all. Today we are going to study the topic vaccination. Okay, let's see vaccination hota kya hai. Diseases such as cholera, diphtheria, typhoid, tetanus, polio, measles, mumps, meningitis and hepatitis can be prevented by taking vaccines. Okay, ये जो सारी डिजीज होती है ना, कॉलेरा है, डायप्थेरिया है, टाइफॉइड है, ठीक है, पोलियो, ये सारी जो डिजीज हैं वो प्रिवेंट हो सकती हैं. ठीक है, प्रिवेंट कैसे हो सकती है? अगर आप वैक्सीन्स लो तो. ओके, लेट्स सी वैक्सीन्स होता क्या है. वैक्सीन्स आर स्पेशल सब्सटेंसेस दैट हेल्प अवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट सर्टेन डिजीज causing germs. They help build our immunity against diseases. Okay. Vaccines क्या होते हैं? Vaccines मतलब ऐसे substance होते हैं कि अगर आप वो vaccine ले लो, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर आपकी body में जो disease होती है उसके against fight करेगी ये vaccines, ठीक है, उससे fight करके जो germs हैं उनको kill करेंगी ये vaccines. और ये इससे क्या होता है, आपकी जो immunity power है, ठीक है, वो भी बिल्डअप होती है. ठीक है, वैक्सीन है ना, कैसे ले सकते हो आप? इंजेक्शन के फॉर्म में भी ले सकते हो. ठीक है, इंजेक्शन के फॉर्म में वैक्सीन्स मिलती है, टैबलेट्स के फॉर्म में. ठीक है, आप देखते हो कि इंजेक्शंस आप लेते हो, ठीक है, बीमार हो जाते हो तो उसके अंदर वैक्सीन ही होती है. वैक्सीन मतलब ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जो लेने से जो आपकी बॉडी में अंदर जाती है वैक्सीन्स, तो क्या करती हैं, जो डिजीज हुई है, जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है उसके अगेंस्ट क्या करती है, वैक्सीन फाइट करती है. ठीक है, उसको फाइट करके उस जो डिजीज है उसको, उस जो डिजीज कॉजिंग जर्म्स है उनको किल करती है. ओके, तो इसको बोलते हैं वैक्सीन्स. ओके, और वैक्सीन्स कैन बी इंजेक्टेड इन थ्रू टू अ ब्लड स्ट्रीम और कैन बी गिवन इन द फॉर्म ऑफ ओरल ड्रॉप्स. ओके, वैक्सीन्स कैसे होती हैं? वैक्सीन्स आप इंजेक्ट कर सकते हो थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. ओके, इंजेक्शन के थ्रू आपके ब्लड में ये वैक्सीन डाली जाती है और आपको ओरल ड्रॉप्स में, ओरल ड्रॉप्स मतलब आप मुंह के थ्रू आपको ये वैक्सीन दी जाती है. ठीक है, ये दो टाइप से आप वैक्सीन ले सकते हो. ठीक है, डायरेक्टली इंजेक्शन से आपकी ब्लड में चली जाएंगी वैक्सीन, या तो ओरल आपके माउथ के थ्रू आपके माउथ में ये वैक्सीन डाल देते हैं. ओके, इससे वैक्सीनेशन देते हैं. द प्रोसेस ऑफ गिविंग वैक्सीन इज कॉल्ड वैक्सीनेशन. ये जो प्रोसेस है वैक्सीन देने की, जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं वैक्सीनेशन. ओके, नाउ वैक्सीनेशन इज अ मस्ट टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम डिजीजेस. वैक्सीनेशन बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, आपकी आपकी बॉडी को डिजीज से फ्री करने के लिए वैक्सीन बहुत ही ज़रूरी है. पहले तो क्या है, ये जो वैक्सीन्स है ना उसकी आपको ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. ठीक है, आप ऐसा टारगेट रखो कि आपको ये वैक्सीन की ज़रूरत ही नहीं पड़े. अभी देखते हैं कि वैक्सीन की क्यों ज़रूरत नहीं पड़े. अगर आपका जो फूड है वो बैलेंस डाइट होगा, आपका जो डाइट होगा एकदम बैलेंस होगा, तो आपको कोई डिजीज होगी ही नहीं. अगर डिजीज होगी ही नहीं तो आपको वैक्सीन की कोई ज़रूरत ही नहीं है. ओके, सो बैलेंस डाइट हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था. बैलेंस डाइट का मतलब ये होता है कि आपके फूड में सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सफिशिएंट अमाउंट में होने चाहिए. सफिशिएंट अमाउंट में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करने चाहिए. ओके, तो क्या होगा, आपको डिजीज नहीं होगी. ओके, न्यूट्रिएंट्स मतलब जो प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, फैट्स हैं, ये सारी चीज़ें अगर आप प्रॉपर अमाउंट में कंज्यूम करोगे तो आपको कोई भी डिजीज़ नहीं होगी. ओके, आप फिट रहोगे, हेल्दी रहोगे, और उसके साथ साथ हेल्दी आपको बैलेंस डाइट के साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है. ठीक है, आपकी हेल्दी लिविंग भी होनी चाहिए. अगर ये दो चीज़ें करोगे प्रॉपरली, रेगुलरली एक्सरसाइज करोगे, आपका डाइट बैलेंस होगा, ठीक है, अगर ये दो चीज़ों आप करोगे तो आपको डिजीज़ की ज़रूरत ही, आपको डिजीज़ होगी ही नहीं. ठीक है, सो अगर डिजीज़ नहीं होगी तो वैक्सीन की आपको कोई ज़रूरत नहीं, आप लाइफ टाइम हेल्दी और फिट रहोगे. ओके, सो आपको ट्राई यही करनी है कि आप, आपका डाइट बैलेंस होना चाहिए और आपकी हेल्दी लिविंग होनी चाहिए. ओके, एक्सरसाइज, रेस्ट एंड पोस्चर आपका हमने देखा ही है प्रीवियस लेक्चर में. ये सब चीज़ें आप अगर अच्छे से करो तो आपको डिजीज़ होगी ही नहीं, तो वैक्सीन्स लेने की तो बात ही नहीं आती है. ओके, सो वैक्सीन्स आर मोस्टली गिवन टू द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 10 ईयर्स. ओके, जो वैक्सीन्स होती है वो चिल्ड्रन को 10 ईयर्स से बिलो हो उनको वैक्सीन्स
दी जाती है. ओके, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वैक्सीनेशन. ओके, सो थैंक यू.